कमतरना इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी सारे स्वर सीख लिए, राइट? तो आज हम सेकेंड टर्म में वर्ण स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको अपनी प्रवेशिका की बुक निकालनी है एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 1770 और यहाँ से आपके व्यंजन स्टार्ट होते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट व्यंजन है क। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलो हम अपनी राइटिंग स्टार्ट करते हैं। सो टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पेज में ऐसे आपको ट्रेसिंग डॉट्स दिए हैं, राइट? तो आपको सबसे पहले ये सारे डॉट्स ट्रेस करने हैं और देखो यहाँ पे लिखा है आपका फर्स्ट व्यंजन और वो है क। ओके, सो स्टूडेंट्स, क से कितनी सारी चीजें होती है, लाइक यहाँ पे हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया है और ये है कुर्सी। सो क से कुर्सी, क से कुर्सी। ओके, जैसे क से केला, क से किताब, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो क से स्टार्ट होती है। तो हम ये सारी चीजें बार बार रिपीट करेंगे और ये ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से क से स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क, फिर यहाँ पे अगेन क और बीच में स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे ऊपर स्लीपिंग लाइन। ओके, सो क से कुर्सी। नाउ अगेन यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क। ओके, देन अगेन क, फिर यहाँ पे बीच में स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। सो ये बन गया हमारा वर्ण क। नाउ अगेन यहाँ पे हम करेंगे क, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। सो क से कुर्सी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फर्स्ट क, फिर यहाँ पे स्टॉप करके आपको यहाँ पे अगेन क करना है। ओके, और बीच में स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। सो क से केला। स्टूडेंट्स, आपने ऐसे दो क किए अभी। क मैंने आपको पहले ही बताया है कितने सारे टाइप्स के क होते हैं, राइट? तो आप ये पूरा क भी बोल सकते हैं ऐसे। ओके, ये पूरे को आप क बोल सकते हो। देन बीच में स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। सो क से किताब। नाउ अगेन क, अगेन क, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। सो क से कुर्सी। स्टूडेंट्स, आपको अपनी ट्रेसिंग बिल्कुल अच्छे से ये डॉट्स के ऊपर ही ट्रेसिंग करनी है ताकि आपकी राइटिंग डॉट्स के बाहर निकले नहीं और बिल्कुल अच्छी अच्छी हो, इसलिए। ओके, तो नाम चलो आपके नाम करते हैं। यहाँ पे ये क, अगेन क, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। और हर बार की तरह मैं आज भी आपको कह रही हूँ कि ये स्लीपिंग लाइन है वो कंपलसरी है हिंदी लैंग्वेज में। ओके, वो आपको भूलनी नहीं है वरना आपका सारा राइटिंग रॉन्ग हो जाएगा। नाउ अभी हम थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क, फिर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। सो क से कुर्सी। नाउ अगेन रिपीट, ये बन गया हमारा वर्ण क एंड क से कबूतर। ओके, नाउ अगेन आई रिपीट, क, अगेन क, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ये बन गया वर्ण क और क से किला। नाउ लास्ट वन स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से क से। ओके, एंड देन यहाँ पे अगेन क, फिर यहाँ पे बीच में स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। सो क से
बाकी है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। ओके तो स्टूडेंट्स, आपने ये पेज में वर्क किया, अभी इसके नीचे वाला ये वाला, इसमें आपको करना है कलरिंग। ओके तो चलो बताती हूँ मैं कैसे करना है आपको। क शब्द से आरंभ होने वाले चित्र को पहचान कर रंग भर कर चित्रों को सुंदर बनाएं। मतलब कि यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दिए हैं, राइट? जो क से स्टार्ट होता है, जो भी पिक्चर्स, उसमें आपको करना है कलर। ओके एंड देन नाउ अभी हमने 17 पेज किया, अभी हम 16 पेज नंबर निकालेंगे, 1616। ओके तो देखो यहाँ पे क्या है, दिए गए व्यंजन से चित्रों को मिलाओ तथा रंग भरो तथा बिंदुओं को जोड़कर क को पूरा करो। मतलब कि यहाँ पे सर्कल में आपको क दिया है, व्यंजन क। ओके तो अभी हमने ट्रेसिंग की, राइट? ऐसे ही बिल्कुल ट्रेसिंग आपको यहाँ पे करनी है। और फिर आपको यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हैं, इसमें से जो भी क से स्टार्ट होते हैं पिक्चर, उसको आपको यहाँ पे मैच करना है। लाइक यहाँ पे कुर्सी, तो कुर्सी को आपको यहाँ पे पेंसिल से मैच करना है। फिर है यहाँ पे मैच, तो ये तो नहीं हुआ। फिर यहाँ पे है काला, तो काला क से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्ण क है, तो इसको भी आपको यहाँ पे मैच करना है पेंसिल से। ओके सो अच्छे से अपना वर्क करना स्टूडेंट्स। थैंक यू।